नमस्कार, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्नेकर्स की टीम ब्लास्ट में स्वागत है। मैं यहाँ पर गुड्डा भैया के यहाँ आया हूँ, जो कि जबड़पारा गली नंबर 2 में रहते हैं, और यहाँ स्टूडेंट लोगों को रेंट पे दिए हैं घर। बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई कोबरा है, तो चलिए उस सांप को हम सही सलामत रेस्क्यू करते हुए, ऐसे पावन हमारे लिए तो हर दिन पावन है, और हमारी कोशिश यही है कि इन जीव जंतु को बचाएं। लेकिन फिर भी गुड्डा भैया ने जैसे कहा कि ऐसे पावन पर्व दिन पे इनको मारना नहीं चाहिए, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा भैया, इनको कभी नहीं मारना चाहिए। तो इनको बचाना है हमको, क्योंकि इनके जगह पे हम घुस गए हैं। तो चलिए, आपकी अच्छी सोच की वजह से, चाहे तो आप मार सकते थे, फिर भी आपने मुझे कॉल किया, तो चलिए इसे हम बचा के इसके हैबिटेट एरिया में जंगल में छोड़ देंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। छेद देखे, छेद नहीं, ये रुको रुको, मैं बता रहा हूं, पहले छेद को आप बंद करो। ये तो गुलाब जाने का था सबसे पहले, ये नाली है ना बड़ा वाला, ये इधर इधर नाली का छेदा है यार, कहां पर? ये इधर जैसे पकड़, ये वाला पे, हां यहां ना, हां यहां पर, यहां पे चिंता मत करो। ये अंदर की इसी, आज जो वही बोला के मालूम हो, ये जो पत्थर को डाल लन दिया, बस आप लोग हट जाइए, बस मत आओ यहां पर। स्टिक कहां है? इसको ना छेदा को बंद कर दो, ठीक रहेगा। ये तो कैचर का नहीं होगा ना, तो फक से घुस जाएगा अंदर, कोई मतलब नहीं। देखिए कोबरा ही है, आप जूम कर सकते हैं इसको, देखिए देखिए कितना बड़ा कोबरा है, जूम का। देखिए अच्छा बिग साइज का कोबरा है, लिया हूं मैं, वेरी गुड। अरे कारे ठटा लिया थोड़ी से, अरे कोई गेम में काट गया। ये देखिए स्पेक्टिकल कोबरा, जबकि बिग साइज का है, तो बड़ा काम है यार, इस तरह से इन्होंने कहा था कि ये नाग है, तो मैं आके देख रहा हूँ बहुत ही बड़ा नाग है। तो बड़ी खुशी होती है कि हम इन जीव को बचा पाते हैं, क्योंकि ये बेजुबा है, इनको हमारी जरूरत है, और इंसान सबसे ज्यादा समझदार है, तो समझदारी का परिचय ये देना है कि हर जीव जंतु तकलीफ में है बेचारे, इनके प्राकृतिक स्थान छिन गए हैं, इनके जगह खत्म हो गए, इनके जगह पे हम घुस गए, इनके जगह में हम घर बना लिए। देखिए इसकी खूबसूरती, खतरनाक है, देखिए इसके स्पेक्टिकल पीछे आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हटा दो। कमल भाई बहुत फुल साइज का ना ये, हाँ अच्छा साइज है। ये देखिए साइज देखिए सांप का, और आपको भी बड़ा खुशी होगा। लड़के लोग ना चार बार इसे मना कर रहा हूँ कि बेटी उटी मत रखो यहाँ पर, मान ही नहीं रहे। लोग हमारी कॉपी करेंगे ना, इसलिए मैं नहीं करता सच्ची को, सेफ्टी तरीके से काम करना है। अब भैया मेरा भी सांस बंद हो जाता है, अब थोड़ा उधर खड़े बस। इन जीव को हमको सेव करना है, और ये बेचारे बेजुबा है, और हमें इनको पकड़ के सही, हमको बड़ा दुख होता है कि इनको इनके प्राकृतिक स्थान, इनके आवास स्थान से हमको दूर करना पड़ता है। इस वजह से हमारे घर घुस जाते हैं, क्योंकि इनके खाने के जो सामान है या जीव जंतु, वो हमारे घर में नहीं मिलने लगे इनको, जैसे मेढक चूहे। तो प्लीज़ अपने घर के आस पास एरिया को साफ सुथरा रखिए, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। तो इसी तरह से मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि स्नेक बाइट में भारत में ज़्यादातर मौतें, लोग घबरा के मरते हैं, और सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मृत्यु होती है। तो जब भी सांप काटे तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी प्रकार के बाबा बैगे के पास मत जाइए, क्योंकि आपकी जान डॉक्टर ही बचा सकता है, और सांप के जहर से बना एंटीवेनम। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी की जान बचाते हुए, किसी की हेल्प करते हुए, और किसी डरे परिवार की मदद करते हुए, ये बेजुबा को बचाते हुए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। चलो असल आ गया फूल, नहीं
बड़ा सलाना। अरे बहुत बड़ा दिक्कत, लाइफ में पहली बार देखा हूँ। दोनों बोलो ताला सा आ गया एकदम, देख रहे हैं बस।